हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जिसपे आप SIP कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। आज हम इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों देखेंगे। इस स्टॉक का नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया। ये स्टॉक बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड पे था और कंटिन्यूसली ये नीचे आ रहा था, और उसके बाद ये इस स्टॉक ने कुछ डाउन ट्रेंड के बाद कुछ कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे, और कंसोलिडेशन करने के बाद एक बहुत अच्छा यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। जनरली कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई भी क्लोजिंग मिलती है या बॉक्स का रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो जितना बड़ा वो बॉक्स रहता है उतना बड़ा हम मिनिमम यहाँ से टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका मिनिमम जो टारगेट है वो 56 रुपीज निकल के आ रहा है। अगर ऊपर पे हम कंसोलिडेशन बॉक्स के बाद अगर इसका टारगेट देखें, तो यहाँ से आप 55 रुपीज का मिनिमम टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। इट मीन्स 210 के पास आपका यहाँ पे टारगेट आना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक है, यानी इसके लिए मैंने इसमें कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी ऐड किया है। ये वैसे तो कैस्ट्रॉल इंडिया बहुत ही नोन कंपनी है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। इसका मार्केट कैपिटल क्या है, स्टॉक पीई क्या है, ओपीएम 5 ईयर्स जो है, स्टॉक पीई इंडस्ट्रीज से क्या प्रेडिक्ट कर रही है रिटर्न का, मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। ओपीएम 5 ईयर्स मतलब कंपनी स्टॉक पीई के अकॉर्डिंग रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, एक्चुअली में इसकी बुक वैल्यू 20 होनी चाहिए, बट ये 168 पे 163 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। 8.14 की इसकी बुक वैल्यू है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको डिविडेंड भी देता है 4% का, ये बहुत अच्छी चीज है। इसकी प्लेज वैल्यू 0 है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसका फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट में है नहीं है कंपनी क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट है, हाँ यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर आप ये देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली आपको थोड़ा सा ग्रो करते हुए दिख रहा होगा। यहाँ से आपको ये ग्रो करते हुए दिख रहा होगा, बट कोविड के टाइम पे सिनेरियो सब चेंज हुए थे, तो कोविड के समय इसका प्रॉफिट जो है वो 785 ही था। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, और फिर से इसका जो प्रॉफिट है वो 1105 पे आ चुका है अभी, और 3 मंथ्स का क्वार्टर बाकी है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अपने को प्रोवाइड कर सकता है। टेक्निकली भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली भी ये स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है। आप इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।